एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैनल की परिकल्पना MIT पुणे ग्रुप के महामहिम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की है। एक तपस्वी की भांति उन्होंने भारतीय मूल्यों को, परंपराओं, ज्ञान विज्ञान और विश्व शांति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, और ये कार्य उन्होंने जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर किया है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी शिष्टाचार की, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे साष्टांग नमस्कार का महत्व। इस क्रिया में व्यक्ति अपने शरीर के 8 अंगों के साथ पेट के बल जमीन पर लेट जाता है और इस प्रणाम को अष्टांगिक कहा जाता है। निम्नलिखित श्लोक इस अभिवादन को परिभाषित करता है। उर्सा शिरसा चैव मनसा वपुषा गिरा पदभयम जानुभयम काराभयम नमस्कारम नमस्कारम। यानी जब कोई छाती, सिर, मन, शरीर, वाणी, पैर, घुटने और हाथ से ये क्रिया करता है तो इससे रक्त संचार में वृद्धि होती है और जोश और उत्साह बढ़ता है। अब एक नजर चरण स्पर्श के महत्व पर। चरण शब्द पैर और स्पर्श यानी छूना, मतलब पैरों को छूना। अथर्ववेद इस प्रकार के अभिवादन को बहुत महत्व देता है। जहां कोई व्यक्ति अपने से बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान देता है, चरण स्पर्श का वैज्ञानिक आधार यह है कि मानव शरीर कंपन पैदा करता है जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा के प्रभाव में मदद करता है। कोरोना की महामारी ने हमें हमारी पुरानी सांस्कृतिक और परंपराओं को याद दिलाया है जो हम पीछे छोड़ आए थे। देखा जाए तो मानव शरीर ऊर्जा का पावर हाउस है जिसे चक्र कहा जाता है। जब हम सो रहे होते हैं ना तो ये भाग ऊर्जा पैदा करना बंद कर देता है, इसलिए जब हम जागते हैं तो कुछ समय के लिए हम निष्क्रिय से रहते हैं। यही कारण है कि हम अपना चेहरा धोते हैं और स्नान करते हैं ताकि हम इन चक्रों को ऊर्जा दे सकें। जब हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो कीटाणु हम पर हाथ और पैर के माध्यम से हमला करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आंखों से संबंधित रोग तब होते हैं जब हमारे पैर गंदे रहते हैं, इसलिए भारतीय अपने जूते बाहर छोड़ने की परंपरा का पालन करते हैं और घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। हाथ और पैर ठंडे पानी से धोने से हमारे शरीर को तनाव से आराम और राहत मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज हाथ धोने के बाद चुल्लू बनाकर पानी पिया करते थे। वे गिलास या बोतल से मुंह लगाकर पानी नहीं पीते थे क्योंकि इससे रोगाणुओं के स्थानांतरण की संभावना बिल्कुल नहीं रहती थी। अब बात करते हैं संस्कार या रिचुअल्स की। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार वैदिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक संस्कार का एक निश्चित महत्व और निश्चित उद्देश्य होता है जो व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक चरण में आगे बढ़ने में मदद करता है। शास्त्रों में 40 संस्कार वर्णित हैं। इन संस्कारों में प्रमुख 16 संस्कार भारतीय समाज में प्रचलित हैं। इन 16 संस्कारों में केवल धार्मिक प्रवृत्ति के शक्तिशाली मंत्र या मात्र उपदेश देना ही शामिल नहीं है, बल्कि इनमें मानव चेतना के सूक्ष्म स्तर को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनका ह्यूमन साइकोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम और मनुष्य के जेनेटिक सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के निरंतर शोधन और उसकी वृद्धि के साथ साथ इन संस्कारों का ठोस उद्देश्य मनुष्य के आसपास के वातावरण को शुद्ध करना और उसे स्वस्थ रखना रहा है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कार और सभ्यता की पहचान रीति रिवाज है जो संस्कारों से शुरू होते हैं। जब भ्रूण या फीटस माँ के भीतर विकसित होता है तो दोनों की भलाई के लिए 16 प्रकार के रिचुअल्स किए जाते हैं जो व्यास स्मृति में भी वर्णित है। तो आज इस एपिसोड को यही विराम देते हैं और अगली बार जानेंगे गर्भाधान और संबंधित संस्कारों के बारे में। उम्मीद है भारतीय अनुष्ठानों और परंपराओं की ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नए एपिसोड्स का आपको रेगुलर अलर्ट्स मिलता रहे।